गुड मॉर्निंग। आज ईवी एक्सपो का तीसरा दिन है। आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं वोल्टा के स्टॉल पर। यहाँ पर मिस्टर प्रणव कुमार जी हैं जो वोल्टा के CMO हैं, तो मैं उनसे ही इस कंपनी के बारे में बात करती हूँ और उनसे जानती हूँ कि ईवी एक्सपो में क्या उन्होंने पहली दफ़े पार्टिसिपेट किया है। हेलो मैम, ये हमारा फर्स्ट टाइम है ईवी एक्सपो में और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और हम वोल्टा लिथियम अब हमारी कंपनी है, ये लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चर करती है टू व्हीलर एप्लीकेशंस के लिए, ई साइकिल के लिए, ई रिक्शा के लिए और सोलार एप्लीकेशंस के लिए। 2019 से हम काम कर रहे हैं। हमारी जो टेक्निकल टीम है वो एक IT मुंबई के एलुमनाई है, वो हेड करते हैं। तो कोई भी टेक्निकल इश्यूज़ जो हैं इंडस्ट्री में लिथियम रिलेटेड, वो हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और एक अच्छी बैटरी, एक लेड एसिड से एक अच्छी परफॉर्मिंग बैटरी हमने लॉन्च करी है। और अब आने वाला जो टाइम है वो भी लिथियम का है, तो उसको ध्यान में रखते हुए और फ्यूचर मोबिलिटी को ध्यान में रखते हुए एक हमने अपनी ब्रांड लॉन्च करी है जिसका नाम है वोल्टा लिथियम अब प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, तो सर ये प्रोडक्ट्स जो लगे हुए हैं कि उसी के लगे हुए? हाँ, ये सारे प्रोडक्ट्स उसी के हैं। हाँ। ये कुछ जैसे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए है, कुछ ई साइकिल्स के लिए है, कुछ ई रिक्शा के लिए है। अच्छा। जी, तो सर सबका स्पेसिफिकेशन बता देंगे? मैम, ई स्कूटर में हमारे पास 3 वेरियंट्स आते हैं, एक 48 वोल्ट में, एक 60 वोल्ट में और एक 72 वोल्ट में। वोल्ट के अलावा इनमें AH होता है जिससे रेंज डिसाइड होती है, तो वो 20H से लेके 50H तक की एक हमारी रेंज आती है। जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो उस अकॉर्डिंग अपना AH डिसाइड कर लेता है। सर, वोल्टा का USP अगर बताना चाहें तो? सर मैम, वोल्टा की USP है इनका टेक्निकल डेवलपमेंट। इसमें एक BMS लगता है जो हमारा अपनी टीम का डिज़ाइन है, हमारी R&D टीम का, और वो बहुत सारे सेंसर्स के साथ आता है, सारी प्रोटेक्शंस के साथ आता है, और वो हमारी एक बहुत बड़ी USP रहती है मार्केट में ओवर अदर कॉम्पिटिटर्स। सर एक चीज़ और बता दीजिए, जैसे लिथियम बैटरीज में और लेड एसिड बैटरीज से कैसे बेटर है ये आप बता? सबसे पहले तो इसमें लाइफ है, लिथियम में ऑलमोस्ट 1000 लाइफ साइकिल्स होती हैं लिथियम आयन में NMC टेक्नोलॉजी में, तो ये 3 से 5 साल तक चलती है। वेरेज लेड एसिड जो है वो मैक्सिमम 1 साल या 1.5 साल चल पाती है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर वेट का डिफरेंस है, बहुत कम वेट होता है, हाफ से भी कम वेट होता है इसमें। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि उसमें बहुत सारी बैटरीज लगानी पड़ती है, इसमें एक ही बैटरी आती है एक सिंगल वोल्ट की, तो वो एक स्पेस मिल जाती है किसी को भी ज़्यादा, तो स्पेस का जो इशू है वो भी उसमें रिजॉल्व हो जाता है। एक क्वेश्चन और है कि लिथियम आयन बैटरीज जो होती हैं ये गर्म बहुत जल्दी हो जाती हैं, तो इसका कैसे रिजॉल्व करेंगे? नहीं, इसका हमने अपने BMS में इसके प्रोटेक्शंस दिए हैं, उसमें थर्मल सेंसर दिए हुए हैं जो इस चीज़ को कंट्रोल करती है और उस बैटरी को सेफ रखती है। तो अगर आप हमारी बैटरी यूज़ करते हैं तो उसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। सर, अब अपने ऑफिस का नंबर और अपना एड्रेस बता दीजिए ताकि अगर कोई भी देखना चाहे और आपके विजिट करना चाहे तो वो जा सके। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फरीदाबाद में है, वहाँ पे भी एक ऑफिस है, दूसरा ऑफिस हमारा जयपुर राजस्थान में है। दोनों के लिए आप एक नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वो नंबर है 9509628999। तो सर ने अपना नंबर और अपना ऑफिस का एड्रेस दोनों बता दिया है। आप लोगों को डीलरशिप के लिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए अगर बात करनी है तो आप लोग उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं ना आपको सारे प्रोडक्ट्स का दिखा देती हूँ कि वोल्टा के प्रोडक्ट्स हैं ये, आप एक व्यू ले सकते हैं ताकि जो है पता चल जाए कि उनके क्या जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल वेरी गुड क्वालिटी के हैं। ये प्रोडक्ट्स हैं उनके जो है अच्छी जो वोल्टा के हैं और लिथियम आयन बैटरी में डील करते हैं। थैंक यू।